से। और एक बात अच्छी तरीके से सुन लो, अभी नीट का जो रूल है, जो रूल है उसमें पहले का रूल कुछ अलग था। अगर तुम दोनों आंसर में, दोनों ही करेक्ट हो सकते हैं और दोनों आंसर में कोई एक को करेक्ट किया तो ऑब्वियस बात है कि तुमको वो नंबर मिलेगा। अगर तुमने टच नहीं किया या उन दोनों आंसर को छोड़ के दूसरा आंसर किया तो तुम्हारा टच नहीं करने से जीरो होगा, और अगर गलत आंसर कर रहे हो तो माइनस फोर। ये जो तुम सोच रहे हो ना कि इतना टैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, उन लोगों को ज्यादा डर है तुमसे, ऐसा क्वेश्चन दे दिया ना फिर हल्ला हो जाएगा। चार मार्क्स लोग जानते हैं, फोर मार्क्स अगर मैं पीछे चला गया या फोर मार्क्स मेरा नेगेटिव हो गया तो मैं अभी जो कंडीशन है 400 नहीं हो सकता है 40,000 के पीछे चल, ज्यादा बोल दिया, 4,000 के पीछे तो जाएगा ही हो। ठीक है, तो बात वही है कि एम्बिगुअस क्वेश्चन, ये जो मॉड्यूल में कुछ कुछ जगह में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नहीं आने का चांसेस ही ज्यादा। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि जिसमें इससे भी ज्यादा दिमाग लगाना पड़े, बट एम्बिगुअस क्वेश्चन जिसमें दो आंसर करेक्ट है वो क्वेश्चन आने का चांसेस।